जी नाजीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। इजाज़ मियां साहब, एक अहम सवाल, एक हुकूमत को चलाने के लिए मुंतखब नुमाइंदगान, ब्यूरोक्रेसी, इदारे, ये तमाम मिलते हैं तो फिर हुकूमत चलती है। अगर एक को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता या एक में भी बिगाड़ पैदा होता है तो फिर क्या होता है? देखिए, ये ट्राइका जो है ये गवर्नेंस में पिवटल रोल करती है। इसमें पुलिस हो गई, सिविल सर्विसेज हो गई और मुंतखब नुमाइंदे हो गए। अब एक गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट आई है, अगर किसी जगह पर इनका कंसेंसस नहीं हो रहा, वर्किंग रिलेशनशिप नहीं डेवलप हो रहा, अच्छा, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा बार है कि इनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये ट्रांसफर जो है ये डिलीवरी के लिए, ये गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, अगर चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी के कोई अफसर लाता है तो मैं नहीं समझता कि कोई ये कोई अनहोनी बात है, क्योंकि वो ही अकाउंटेबल है, चीफ मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर डिलीवरी नहीं होती तो चीफ मिनिस्टर विल बी अकाउंटेबल, नॉट IGP, नॉट चीफ सेक्रेटरी। जो चीफ मिनिस्टर है ये उसकी जिम्मेदारियां हैं, वो अकाउंटेबल है और उसको डिसीजन मेकिंग का, मैं समझता हूँ कि उसको राइट और प्रेरोगेटिव उसको मिलना चाहिए। सही सही, मुजाहिद शेख साहब, यही ट्राइका के हवाले से मैं बात करूंगी। मुंतखब नुमाइंदे, ब्यूरोक्रेसी, इदारे, अगर कहीं पे भी कोई तसलसल नहीं, ताने बाने नहीं मिलते, फिर क्या होता है? कहाँ बिगाड़ पैदा होता है? फिर वही नुकसान पहुंचता है, फिर वही होता है जो आज सुबह से हो रहा है कि टीवी पर पुलिस डिपार्टमेंट का भी तमाशा लग रहा है और गवर्नमेंट का भी तमाशा लग रहा है। देखिये, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब इमरान खान साहब जलसे करते थे और अपनी तकारीर में वो सबसे ज़्यादा वो पटवारियों को और पुलिस को फोकस करते थे, और जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं और उनकी गवर्नमेंट आई है तो उसके बाद ये पुलिस के हवाले से इश्यूज उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, बिलखसूस पंजाब में। नासिर दुरानी साहब बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर रहे हैं, IG KPK भी रहे हैं और एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच भी रहे हैं, वो यहाँ पर भी लाहौर में भी उन्होंने बहुत वक्त गुजारा है। तो पंजाब के मामलात क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, ये बड़ी एक बड़ा सवाल है। देखिए, पाक पतन वाला वाकया कोई छोटा वाकया नहीं है कि एक DPO को रातों रात, मुझे अच्छी तरह याद है कि कलीम इमाम साहब IG पंजाब थे तो उन्होंने रात 12 बजे के बाद कहीं नोटिफिकेशन किया और उनकी जानिब से हदायत हमें मौसूल हुई कि ये नोटिफिकेशन लेट नाइट हुआ है तो इसे फौरी तौर पर हम चाहते हैं कि इसको TV पर और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाए, ताकि वो जिनको ये बताना चाहते थे कि उस वक्त के पाक पतन के DPO को तब्दील कर दिया गया है, वो ये हुआ। वो मामला इतना तूल पकड़ गया कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गए, हालांकि वो इस लेवल का इशू नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी क्योंकि एक DPO के साथ ना इंसाफी होने जा रही थी और उनके जो जवाबात थे वो भी, उसमें भी माजरत उन्हें करना पड़ी, उनको माफीनामा जो है वो लिखकर देना पड़ा। और आपने जो शुरू में एक बात की कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि नया पाकिस्तान आप इस तरह का बना रहे हैं, तो अभी वो बात को कल का दिन गुजरा है, कल की बात है कि आज आप फिर एक बड़ी गलती कर रहे हैं, आप बड़ी खबर लेकर आते हैं मीडिया के लिए। और फिर आप ये बताएं कि जो IG साहब मोहम्मद ताहिर साहब थे जिन्होंने 3 सितंबर को जिमनी इलेक्शन का नोटिफिकेशन होने के बाद, शेड्यूल जारी होने के बाद उन्होंने जो तबादले किए, क्या वो कानूनी थे कि वो भी गैर कानूनी थे? एक लंबी फहरिस्त, तो सिलसिला जो है वो चलता जाएगा। उन्होंने भी बहुत सारे DSP बदले, बहुत से SP बदले। देखे, जो बात उनके ऊपर एक इल्जाम लग रहा है, जो हमारे जराये कहते हैं कि उन्होंने सानिया मॉडल टोन के वो लोग, वो पुलिस अफसरान जिनको डॉक्टर तारुल कादरी साहब की जानिब से नामजद किया गया है, उन्हें OSD नहीं किया गया, यही इल्जाम पिछली हुकूमत को भी था। तो ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत का जवाब बनता है, बजाय इसके कि IG पंजाब साहब उन्हें OSD करते, SSP डिसिप्लिन तारिक अजीज साहब लाहौर में थे, उन्हें फील्ड पोस्टिंग दे दी गई दूसरे शहर में, इसी तरह शराजी साहब थे SPCIA, उन्हें भी कसूर में जो है लगा दिया गया, तो वो लोग, उन लोगों के केस भी यहाँ पे जेरे समात हैं, यहाँ पर उन्होंने रोजाना की बुनियाद में दहशतगर्दी की अदालत में पेश भी होना पड़ता है उन्हें, तो उन्हें फील्ड में लगा दिया गया। ये मेरा ख्याल है मोहम्मद ताहिर साहब से एक टेक्निकली गलती हुई है। वही मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें वर्किंग रिलेशनशिप जो था वो लैक कर रहा था, इस ट्राइका में वो वर्किंग रिलेशन नहीं था, तो इसके कंसेंसस के लिए और जो इसके इश्यूज थे इनको एड्रेस करने के लिए आई थिंक ये ट्रांसफर की वजह बनी है। चलिए चलिए, इमीडिएट रीजन नजर नहीं आ रहा। सब कह चुके हैं कि जिस जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिमार्क्स दे चुके हैं, आज़िम को भी पढ़ के बता देते हैं। अदालत उज़्मा ने बरहमी के इजहार के बाद DPO पाक पतन तबादला केस में वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार साहब से ये कहा, जो पीर को समात हुई उनके रिमार्क्स कुछ इस तरह से थे, क्या ये कानून की हुक्मरानी है? क्या ये नया पाकिस्तान है?
आ गए सारे मिलकर नया पाकिस्तान बनाने, ये उन्होंने रिमार्क्स दिए। सादत सूल साहब, ट्राइका की हम बात कर रहे हैं, मुंतखिब नुमाइंदे ब्यूरोक्रेसी इदारे, जब इस ट्राइका में सिंक्रोनाइजेशन ना हो तो क्या होता है? देखिए, हमारे अनफॉर्चुनेटली पिछले जो डेढ़ दो साल की सियासत है, वैसे तो उसे बहुत पहले तक की सियासत, लेकिन पिछले जो डेढ़ दो साल की सियासत है उसके अंदर तो इदारे और कुछ ब्यूरोक्रेट्स एक तरफ और सियासतदान और कुछ ब्यूरोक्रेट्स एक तरफ नज़र आए, और हमने देखा कि दरमियान में एक बड़ी क्लियर कॉन्फ्लिक्ट की लाइन नज़र आई। लाहौर के अंदर ब्यूरोक्रेसी ने अपने दरवाजे भी लॉक कर दिए, हमने ब्यूरोक्रेट्स को नैब के अंदर अरेस्ट होते देखा, सियासतदानों को देखा, इदारों के साथ तसादुम देखा। हमारी उम्मीद ये है कि नए पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, कि नए पाकिस्तान के अंदर मर्जी हो वो नहीं चलेगी सिर्फ कानून। हमारी उम्मीद ये है, हमारी उम्मीद ये है, हम एक इस तरह की तारीख से, पाकिस्तान की पिछली 70 साल की तारीख के अंदर बहुत सी ऐसे दिन, बहुत से ऐसे रोज, बहुत से ऐसे साल आए जहाँ पे बज़ाहिरन जमहूरियत को नाउम्मीद ही नजर आती थी, लेकिन हम आज भी जमहूरियत में रह रहे हैं, हमारे इदारे मजबूत हो रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का इनिशिएटिव है जिसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कर्ब किया जा रहा है, जो दीगर वादे हमारे सामने नए पाकिस्तान ने किए या नए पाकिस्तान बनाने की पार्टी ने किए वाले दावा रखने वाली पार्टी ने किए, हम सब ने वो सुने, हम इस प्रोग्राम में बैठ के उनको वो याद करवा रहे हैं, हम वो रोज याद करवाते रहेंगे जब तक वो अपने वादे पूरे नहीं करते, रहेंगे। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए बड़ी अच्छी अलामत है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बात होती है क्योंकि टाइम कम है, 3 साल का टेन्योर होता है जनाब आईजी का, और जो मौजूदा आईजी रहे ताहिर साहब, 1 महीना 2 दिन वो सर्व कर चुके। इस दौरान क्या क्या वाकयात हुए? जमान पार्क में एहतजाज हुआ शदीद किस्म का, स्टूडेंट भी आए, बहुत से लोग आए, जिसका दिल किया वो जमान पार्क में आके एहतजाज करता रहा। इसके अलावा मियां महमूद रशीद साहब हैं, उनके बेटे की गिरफ्तारी भी अमल में आई, मंशा बम का वाकया भी हुआ। इसके अलावा हमने देखा कि बहुत सारी कानून की खिलाफ वर्जियां हुई, लेकिन अभी मामला ये नहीं है कि जो आईजी हैं उनका ट्रांसफर किया गया, मामला दीदा दलेरी का है। मौजूदा हुकूमत ने जिस दीदा दलेरी का मुजाहिरा किया, मामला सिर्फ उसका है। जहाज साहब, इस पर क्या कहेंगे कि इतनी दीदा दलेरी से आप कानून की खिलाफ वर्जी कर जाते हैं? देखें, ये इनका जो पीटीआई का 100 डेज प्लान है, उसमें थीम 1 में चेंज ऑफ गवर्नेंस की बात भी की है, उसमें डी पोलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस है, फिर उसमें सिविल सर्विसेज के लिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात की है, अकाउंटेबिलिटी की बात की है, लेकिन वो लग रहा था, वो लग रहा है कि वो सारा पॉलिटिकल रेटोरिक है। अब जो प्रैक्टिकली इनको जो ये इनके इकदाम हैं, इसमें होमवर्क भी नहीं है कोई, इनका डिसीजन मेकिंग भी जो है वो भी प्रॉपर नहीं हो रहा। और मियां साहब, ये जो डिसीजन है मोहम्मद ताहिर साहब को आईजी पंजाब लगाना, ये भी बड़ा जल्दबाजी में हुआ है क्योंकि उनसे सीनियर है अमजद जावेद सलीमी, उनसे सीनियर है और उनके अलावा भी कई लोग सीनियर हैं, लेकिन इन्हें लगा दिया गया, ये भी एक जल्दबाजी का फैसला। सारी बातों के तनाजुर में साद रसूल साहब, एक आखिरी कमेंट दे दीजिए, फिर प्रोग्राम क्लोज करेंगे। जी, मेरी उम्मीद ये है कि किसी भी शख्स की या पार्टी की या किसी भी इदारे की जागीर से ज्यादा जो कानून हमारी रियासत का है, जो आईन हमारी रियासत का है, उसके अंदर सफ़ेद लिखा हो, स्या लिखा हो, हम उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करेंगे और शुरू नए पाकिस्तान में और इस और पीटीआई की पंजाब के अंदर हमें ये बात अपनी ब्यूरोक्रेसी से करनी चाहिए, अपनी पुलिस से करनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर हुकूमत को निदामत भी होगी और अपने डिसीजन को रिकंसिडर भी करेंगे। वेरी वेल सर, सारे सूल साहब बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का मशक्रिया अदा करती हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।